अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाजरीन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे गाजरों का हलवा, जिसे आप कह सकते हैं कराची हलवा एज वेल। ये देखिए मेरे पास गाजरें हैं 1.5 किलो, और मैं इसे दोनों एंड इनके उतार लूँगी, दोनों एंड उतारूँगी ऐसे और खुरच लूँगी इन्हें, और फिर इन्हें मैं जूस इनका मैं निकालूंगी जूसर में। आप ब्लेंडर जार यूज़ कर सकते हैं, उससे जूस बना सकते हैं, और मैं जूस निकाल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। नाजरीन, हमने गाजरों का जूस निकाला है जो 3 कप, तकरीबन 3 कप निकला, 1.5 किलो गाजर का जूस 3 कप निकला है। हमें चाहिए 1/2 कप कॉर्नफ्लावर। मैं गाजर के जूस में मिक्स करूँगी, थोड़ा थोड़ा डालकर छान कर और मिक्स करते जाएंगे हम इसे। मिक्स करेंगे, आपने लंप नहीं छोड़ने बिल्कुल। हमारा कॉर्नफ्लावर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। नाजरीन, इंडक्शन हमारा ऑन है, हम गाजर का जूस डालेंगे छान कर, लेफ्ट ओवर जो कॉर्नफ्लावर के लंप से वो नहीं रहने दें, हमने हिला कर डालना। अब हमने मीडियम फ्लेम पे इसे हिलाते रहना, हल्के हल्के बबल आने तक। ज़्यादातर लोग जो पहले चाशनी बनाते हैं फिर गाजर का जूस डालते हैं, लेकिन मैं गाजर का जूस जब हल्का हल्का गाढ़ा होने लगे, ये देखें आप देख सकते हैं हल्का गाढ़ा हो रहा है, तो फिर मैं इसमें चीनी डालूंगी। हम 1 कप चीनी का डालेंगे, अच्छी तरीके से हिलाएंगे ताकि ये गुठलियाँ ना बने इसमें। ये आप देख सकते हैं हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। मीडियम टू लो आपने रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं आपने लगाना गैस। 140 स्पून वनीला एसेंस, केसर और कैशूनट। कैशूनट मैंने 2 टेबलस्पून डाले, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। 2 टेबलस्पून पीकन नट, 2 टेबलस्पून मेरे पास हैं बादाम। मीडियम पे मैं कुक कर रही हूँ। अगर आप कॉर्नफ्लावर यूज़ नहीं करना चाहते तो अरारोट इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा 1-1 टेबल स्पून करके घी डालना शुरू करेंगे। 5 टेबल स्पून मेरे पास देसी घी है, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, थोड़ा सा और देसी घी। अब नियरली डन है, ये देखें बबल अब अच्छे बन रहे हैं, गाढ़े गाढ़े। अब थोड़ी सी देर उसे हमें और स्टर करना है, फिर हम इसे ग्रीस वाले बर्तन में निकाल कर डालेंगे। ये देखें अब हम उठा रहे हैं कितने आराम से, ये देखें गिर रहा है जैसे, ये चेक करने का तरीका ये है। और अगर आप चाहें तो प्लेट में डालकर, ठंडी प्लेट में डालकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप देखें जमने लगे तो ये डन है। अब हमारा हलवा तैयार है, हम डिश आउट करते हैं इसे, गैस ऑफ करते हैं। हमारी तैयार है, मैंने इसमें बटर लगाया है ग्रीस करना, आपने किसी चीज़ आप ऑयल से कर सकते हैं। थोड़े से पिस्ते डालेंगे और ठंडा होने के लिए इसे, जब तक ये ठंडा हो उस वक्त तक हम इसे रहने देंगे। जब ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसकी कतलियाँ काट के बताऊंगी। नाजरीन, हलवा बनाए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है, ठंडा करना चाहिए अबाउट 5-6 घंटे में, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, मैं अभी काटने लगी हूँ। ये देखें अगर हम हाथ लगाते हैं तो साइडें छोड़ रही हैं, ये देखें इसका मतलब है ये बन चुका है। काटते हैं हम डिश आउट करते हैं काट के। अब हम निकाल कर देखते हैं जहाँ हमने निशान लगाया। ये देखें नाजरीन कितना अच्छा बना। इसी तरह हम सब निकाल लेते हैं। देखें नाजरीन, हमारा कराची हलवा बन के तैयार है, देखें कितना अच्छा
कितना जली, और देखें कोई फूड कलर नहीं मैंने डाला, सब जन से है। ये गाजरों का रंग है, एक तोड़ के आपको बताती हूँ, देखें। आई होप आप मेरी इस रेसिपी को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और इंशाल्लाह दुआ में हम हमें याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।